नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीसी ज्वेलर्स के अपडेट में कल भी पीसी ज्वेलर्स ने धमाल मचाया था। यहाँ पे आप पीसी ज्वेलर्स में 82 के टारगेट रखे गए थे, इसने 82.85 यानी 83 के टारगेट्स ने आपको दिए हैं और 77.60 का इसने लो लगाया है। तो आपको यहाँ भी कल भी पैसा बंद हुआ, लास्ट में जाके प्रॉफिट बुकिंग इसमें जरूर हुई है। तो ये पीसी ज्वेलर्स में आज भी यहाँ पे जो ज्वेलरी सेक्टर है उसमें फोकस में रहने वाला, टाइटन, पीसी ज्वेलरी, टीबीजेड, सारे शेयर फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि सरकार गोल्ड की पॉलिसी को आज मंजूरी दे सकती है, ऐसा संभावना है। अगर मंजूरी मिलती है तो यहाँ पे सेकंड हाफ में पीसी ज्वेलर्स में ज़ोरदार तेज़ी बनने के संकेत हैं और वापस ये आपको यहाँ से 78 रुपये से डायरेक्ट वापस 82 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो यहाँ से डायरेक्ट वापस वही 4 रुपये का टारगेट है यहाँ पे, जो 4 रुपये का टारगेट यहाँ पे ज़बरदस्त टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। वो अगर गोल्ड की पॉलिसी यहाँ पे मंजूर होती है सरकार को, तो यहाँ पे 4 रुपये का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज इसका ऊपर आ चुका है। तो मूविंग एवरेज यहाँ पे अगर मैं इसका 21 दिनों का मूविंग एवरेज की बात करूँ तो वो 71 रुपये है, शेयर उसके भी ऊपर है, और 50 दिनों का मूविंग एवरेज वो 73 रुपये है, शेयर उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे है बात कि 5 डे का मूविंग एवरेज वो 75 है, तो शेयर उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे 9 दिनों का मूविंग एवरेज वो 73 है, शेयर उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे शेयर 100 दिनों का मूविंग एवरेज से बार बार टकरा रहा है, ठीक है। कल भी 100 दिनों का मूविंग एवरेज 34.80 इसके ऊपर गया था, वापस नीचे धकेला गया, और आज भी 100 दिनों का मूविंग एवरेज, कल भी परसों भी 2 दिनों से 100 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़ तोड़ कर, लेकिन उससे टकरा से ये सपोर्ट ले रहा है बार बार। यहाँ देख सकते हैं ये बैंगनी कलर की जो लाइन है, ये देख सकते हैं, तो ये 100 दिनों का मूविंग एवरेज 80.34 और इससे टकरा कर शेयर वापस नीचे धकेला जा रहा है। जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, अच्छी खासी इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, तो अपन कहेंगे कि 82 रुपये के ऊपर इसकी क्लोजिंग आएगी शेयर को, जो वो क्लोजिंग 28 रुपये तक लेके जाएगी। अगर क्लोजिंग नहीं आती है तो वापस आज 82 रुपये का टारगेट दिखाकर वापस फिर नीचे आ सकता है। ध्यान देंगे, क्लोजिंग नहीं आएगी तो 82 रुपये तक का टारगेट दिखा सकता है, लेकिन वापस कल की तरह वापस टारगेट यहाँ दिखाया, टारगेट दिखाया और टारगेट दिखाया, वापस फिर से वापस इसमें गिरावट आ सकती है। जब तक क्लोजिंग 82 रुपये के ऊपर नहीं आएगी तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए और अपना प्रॉफिट डेली के डेली यहाँ पर कमाते जाइए। ओके दोस्तों, यही अपडेट आज पीसी ज्वेलर्स की, यहाँ पे आज फोकस में रह सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे सेकंड हाफ में ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है, यानी कि पीसी ज्वेलर्स में फर्स्ट हाफ में भी इसमें होप जग सकती है कि यहाँ पे 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, तो उस बजे 11 बजे से लेकर इसमें ज़बरदस्त, यानी कि पहले से ही संभावना लग जाती है कि इसमें ज्वेलरी सेक्टर को आज फोकस में रहेगा, तो उसको गोल्ड की पॉलिसी की मंजूरी उनको मिल सकती है, तो ये आज वोलेटाइल रह सकता है शेयर, ठीक है। तो इसमें 82 रुपये का अहम लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो यहाँ पे लॉन्ग लेके चल सकते हैं इसको। अगर क्लोजिंग नहीं आती तो इसको वहाँ से अपना प्रॉफिट बुकिंग करके और अपना माल वहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लेंगे, मेरी तरफ से किसी को पर्सनली बाय सेल और होल्ड की सलाह नहीं है। यहाँ पे मैंने अपना व्यू रखा जो एजुकेशन पर्पज की नज़र से मैंने रखा है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का रिस्क दोस्तों आप खुद का ही आपका खुद का ही रहेगा। ओके दोस्तों, इसी अपडेट के साथ मैं वीडियो करता हूँ एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और डेली अपडेट पीसी ज्वेलर और महंगी पाने के लिए शेयर को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।